नमस्कार, केकेआर न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति भटनागर। चलिए शुरुआत कर। मुख्यमंत्री मोहन यादव संबोधन, बृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम के लिए डीजीपी सुधीर सक्सेना सहित भोपाल पुलिस अधिकारियों को बधाई। पूरे प्रदेश में 5,50,00,000 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया। भोपाल अकेले ही 40,00,000 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। 14 जुलाई को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इंदौर आकर करेंगे पौधारोपण, साथ ही एक्सलेंस कॉलेज का लोकार्पण भी करेंगे। जल जंगल और जमीन हमें प्रकृति से जोड़ता है, केवल पौधारोपण ही नहीं उसकी चिंता भी करनी होगी। जब तक लगाया हुआ पौधा 5 फीट से बड़ा ना हो जाए उसकी देखभाल करना होगा। अपनी माँ के साथ सेल्फी लेना और पौधों को माँ के नाम करते हुए सेल्फी लेना। पुलिस की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए 7.5 करोड़ का बजट रखा गया। आपके निरीक्षण के लिए तैयार है जी मां। आगे तो मत जा। सभी से अनुरोध है कि जैसे ही गुब्बारों को आसमान में छोड़ा जाता है, जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत किया जाए हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय का। ध्यान में हम हर्षित और गौरवान्वित हैं कि प्रदेश के मुखिया आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी हमारे बीच में। अरे छोड़ो नहीं भाई, अपने अपने दम से रहो। भारत माता की कैमरा एक पेड़ माँ के नाम पौधारोपण कार्यक्रम में मैं मंच पर विराजमान डीजीपी श्री सक्सेना जी को बधाई देना चाहूँगा। यशस्वी प्रधानमंत्री ने पूरे देश में पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक प्रेरणा क्या दी, ऐसा लगा कि वास्तव में सच्चे अर्थों में हमारे भारत जैसे विशाल देश में हर राज्य में एक पूरा ये जन अभियान का हिस्सा बना है। और खासकर मध्य प्रदेश में 5,51,00,000 पौधे लगाने का हमारी सरकार के द्वारा पूरे प्रदेश में लक्ष्य रखा गया और बड़े पैमाने पर इस दिशा में ठोस काम भी प्रारंभ हुआ है। मैं बधाई देना चाहूंगा भोपाल को ही, जिसने 40,00,000 पौधे लगाने का अपना यहाँ का निर्णय किया है। मैं एक बार जोरदार ताली बजाए पूरे प्रदेश के लिए। और 14 तारीख के दिन यशस्वी गृह मंत्री इंदौर आकर के एक्सीलेंस कॉलेज का भी लोकार्पण करने वाले हैं। साथ ही साथ 51,00,000 पौधे जो इंदौर में लगे हैं, जिसमें 11,00,000 14 तारीख को लगेंगे। इस पूरे आयोजन में राज्य सरकार के साथ गृह मंत्री जी, हमारे स्थानीय मंत्री जी सब मिलकर के कुल मिलाकर के हमारी जो सामाजिक चेतना है उसको जगाने का प्रयास करेंगे। हम सब जानते हैं परमात्मा की कृपा से हमारे अपने जंगलों में सच्चे अर्थों में जल जंगल जमीन ये हमको प्रकृति से भी जोड़ता है और मानवता के मूल गुणों को प्रोत्साहित करने के लिए खास करके ओजोन लेयर में जो भूमिका देते हैं वो किसी से छिपी नहीं है। लेकिन परमात्मा की कृपा है, नए विज्ञान के युग में विज्ञान के उन्नति के राह में जंगलों पर जो आरियां चलाई गई उसकी कीमत भी हम चुका रहे हैं। खास करके कार्बन उत्सर्जन को लेकर के जिस प्रकार का वातावरण बना है, इसकी सारी सब चीजों की पूर्ति एकमात्र पुनः पौधारोपण से हो सकती है। लेकिन केवल पौधा लगाना मात्र नहीं, पौधे के साथ हमारा अपना जब तक वो पूरा अपनी आयु करने के लायक 5 फीट से ऊपर की हाइट में नहीं हो जाए तब तक भी चिंता करना पर्याप्त रहेगा। उसकी उस दशा में चिंता करना और ये संवेदनाशील तरीका माननीय प्रधानमंत्री ने जोड़ा है कि माँ के साथ सेल्फी लेना या माँ नहीं है तो चित्र के साथ पौधा लगाना, तो ये मन के एक संवेदना का बड़ा गहरा पक्ष है। माँ से जुड़ना हमारी तो पूरी संस्कृति मात्र आधारित है।
इसलिए वसुधा को भी हमारे नौ ग्रह में से एकमात्र ग्रह है जिसको मां से संबोधित करते हैं। अपने देश की भौगोलिक सीमा भी दुनिया के 200 से ज्यादा देशों में एकमात्र देश भारत है जो मातृ संस्था को महत्व देते हुए भारत माता की जय में आनंद का महसूस करता है। ऐसे में माँ के साथ पौधा लगाना ये हमारी अपनी उस संस्कृति को नमन करने के बराबर है। मेरी अपनी ओर से पुलिस परिवार के इस पूरे आयोजन के लिए आप सबको बधाई। आप सब जानते हैं कि पुलिस को लेकर के हमारी सरकार बहुत सेंसिटिव है और खास करके इस पुलिस के अंदर की व्यवस्थाओं के लिए भी संवेदनशीलता के आधार पर जैसे 7,500 से ज्यादा पद इसी बजट में हमने रखे हैं जो सभी प्रकार के पुलिस की आवश्यकताओं की पूर्ति करें। कुल मिलाकर के जहां जहां जरूरतें हैं पुलिस विभाग में तत्परता से ड्यूटी कर देता है तो संवेदनशीलता के आधार पर पुलिस से सहृदयता के संबंध हमारे अपने पूरे समाज से अपेक्षित है और ऐसे में ये सकारात्मक एक स्वरूप दिखाई देता है समाज के दैनंदिन के कार्यक्रमों में इस प्रकार के आयोजन जोड़ने से। मैं एक बार फिर पुलिस की न केवल दक्षता के बलबूते पर लेकिन नक्सलवादी मामले में जिस प्रकार से पुलिस ने अपना रोल अदा किया है लगातार हमारी शक्ति के आधार पर पुलिस ने अपने मूल रूप को भी कायम किया, मैं उसकी भी बधाई देना चाहूंगा। पुलिस इसी प्रकार से काम करते रहे, सरकार उसका समर्थन करती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद भारत माता की। मध्य प्रदेश में माननीय प्रधानमंत्री ने जो आह्वान किया है एक पेड़ माँ के नाम, उस आह्वान को लेकर के पूरे प्रदेश में एक उत्साह का वातावरण है। लगातार अलग अलग प्रकार से अलग अलग विभाग रोज अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं, पौधे लगा करके वृक्षारोपण करके खास करके कई बड़े नगरों ने बड़े बड़े लक्ष्य भी लिए हैं। आज पुलिस परिवार के द्वारा एक पेड़ माँ के नाम का बड़ा आयोजन किया है। मेरी अपनी ओर से मध्य प्रदेश पुलिस को बधाई जिनने अलग अलग पुलिस परिवार के खास करके माँ और बेटों को ला करके और परिवार सहित पौधारोपण का जो आयोजन किया ये अपनी एक अनूठी पहल भी है और हमारी प्रकृति से जुड़ने का बड़ा लक्ष्य भी है। मेरी अपनी ओर से बधाई।